महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा की गई थी। एक ही फेज में 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान किया जाएगा, ऐसा भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। इस घोषणा के बाद हर पार्टी और हर नेता चुनाव की तैयारी में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी उम्मीदवारों की तरफ से अपनी अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। इसी बीच 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर एक बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए एक नोटिस के अनुसार मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इसलिए 20 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। राज्य और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय निम शासकीय कार्यालयों के साथ साथ सभी बैंकों के लिए ये छुट्टी लागू की जाएगी। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कुल 61.4% वोटिंग की गई थी, इसलिए 288 सीटों के लिए लड़े जाने वाले चुनाव में इस बार कितनी वोटिंग होती है ये देखना अहम होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में पिछली बार की तुलना में मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें MB Live से।